जय हिंद दोस्तों। देखिए फाइनली सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई पोस्ट के लिए नया वैकेंसी निकल के आ चुका है। इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को हम बताए थे कि 26 तारीख को वैकेंसी निकलेगा और फाइनली वैकेंसी दोस्तों निकल चुका है। 540 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। तो कौन कौन इसको भर पाइएगा, कितना पैसा लगेगा, क्वालिफिकेशन सारा A to Z बताएंगे। तो कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा और इस वैकेंसी को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इस पे दौड़ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत सारा बढ़िया बढ़िया पॉइंट इस पे है जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले वैकेंसी का नाम जान लीजिए, CISF मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, जिसको कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसका ड्यूटी मेनली एयरपोर्ट वगैरह में होता है, आपने देखा ही होगा। तो CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई रिक्रूटमेंट 2022, यह विज्ञापन का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले विभाग यानी डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगेगा, तो CISF, आप क्या बनिएगा, CISF में हेड कांस्टेबल बनिएगा, ठीक है। इसके बाद पोस्ट की बात करें दोस्तों, कितना पद है टोटल, तो 540 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। टोटल कितना है, 540। 540 में से दो प्रकार का पोस्ट है, एक है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जिसके लिए 418 वैकेंसी है, और दूसरा है एएसआई स्टेनोग्राफर का, इस पे 122 सीट है। समझ में आ गया, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 540, ठीक है। अब बात करेंगे अप्लाई डेट, एप्लीकेशन कब से भराएगा, तो 26/9 को इसका ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, 26/9 से स्टार्ट हो चुका है और 25/10 तक इसका लास्ट डेट है। 25/10/2022 तक आप फॉर्म को भर पाइएगा, 26/9 से 25/10 तक, 25 अक्टूबर 2022 तक, ठीक है। फी का बात करें दोस्तों, कितना पैसा लगेगा इसको भरने में, तो देखिए जनरल OBC EWS हैं तो ₹100 लगेगा, बाकी SC ST और महिला को कुछ भी पेमेंट इस पे नहीं देना है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष दोनों इसको भर सकते हैं, आपने किसी भी बोर्ड से अपना क्वालिफिकेशन किया है आप इसको भर पाइएगा। अभी क्वालिफिकेशन भी बताएंगे, ध्यान दीजिए। एज लिमिट की बात करें, उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो आपका 25/10/2022 से एज गिना जाएगा, 25/10/2022 को देखेगा कि आपका एज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो 25/10/2022 को 18 से 25 साल यदि जनरल कैंडिडेट है तब आपका एज होना चाहिए 18 to 25 years। बाकी OBC वालों को 3 साल का छूट मिलेगा और SC ST वालों को 5 साल का एज में मतलब छूट मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो जनरल का हो गया 18 से 25, OBC का हो गया 18 से 28 और SC ST का कितना हो गया 18 से 25 5 30। तो ये हो गया एज लिमिट, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए इधर लिखे हैं पोस्ट और इधर लिखे हैं एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला वाला पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसमें आपका 10+2 चाहिए, ठीक है, 10+2 चाहिए, आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, कितनों परसेंटेज है किसी भी बोर्ड से आपने पास किया है आप भर सकते हैं, ठीक है, 10+2 मतलब इंटरमीडिएट होना चाहिए। दूसरा आपको कंप्यूटर का टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग आपको इस पे करवाएगा, ये क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन इस पे टाइपिंग होगा दोस्तों, क्योंकि हेड कांस्टेबल आप बनिएगा, आपका जॉब जो है ऑफिस में होगा, कंप्यूटर में आपको काम करना पड़ेगा, समझ में आ गया, एकदम ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर में काम कीजिएगा CISF पोस्ट में हेड कांस्टेबल में। तो आपका हिंदी टाइपिंग होगा 30 words per minute और इंग्लिश टाइपिंग यदि आप करेंगे तो 35 words per minute आपको इंग्लिश टाइपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए, जिसके लिए 418 वैकेंसी है, इसके इसी में सबसे ज्यादा सीट है, ठीक है। इसके बाद ASI स्टेनो की बात करें, स्टेनो मतलब स्टेनोग्राफर, तो इस पे भी 10+2 मांगा है, इंटरमीडिएट, आर्ट, साइंस, कॉमर्स कुछ भी चलेगा, किसी बोर्ड है चलेगा, कितनों परसेंटेज है वो भी चलेगा, समझ में आ गया। इसके बाद 2 नंबर में आपका डिक्टेशन टेस्ट इस पे लेगा, जो कि 80 words per minute के हिसाब से आपको डिक्टेशन लिखना पड़ेगा, जो बोला जाएगा ऑडियो में उसको लिखना होगा, इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 10 मिनट। स्टेनो का टेस्ट कैसे होता है आप लोगों को तो पता ही है, पहले ऑडियो आता है फिर उसको लिखना पड़ता है फिर उसको स्टेनो में लिखना पड़ता है, तो यही है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, हिंदी में आपको मिलेगा 60 मिनट और इंग्लिश में मिलेगा 50 मिनट, समझ में आ गया। तो ये स्टेनो का टेस्ट, मेनली क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा है। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप स्टेनो नहीं जानते हैं तो आप ऊपर वाला पोस्ट के लिए आसानी से फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों क्वालिफिकेशन यानी केवल इंटर पास।
10+2 चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपका होगा PST, PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका हाइट मापेगा, आपका चेस्ट मापेगा, इस पर रनिंग वगैरह नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद होगा DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे पहले PST फिर DV फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। आप यहां ध्यान से देखिएगा पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन का आपको बुक लेना है दोस्तों। इस बुक में दोस्तों 2450 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिल जाएगा, 20+ आपका प्रैक्टिस सेट इस पे दिया गया है, और ये स्पेशल बुक है दोस्तों CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, जो कि काफ़ी बेस्ट बुक होने वाली है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, अच्छे ढंग से इस पे समझाया गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्रैक्टिस सेट दिया गया है, टोटल 20 आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है इस पे। तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने खरीदने का लिंक भी डाल दिया है, या फिर आप इसको नज़दीकी मार्केट से जा करके दुकान में भी इसको खरीद सकते हैं और CISF की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लेगा, फिर आपका मेडिकल होगा, और फाइनली आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, आप बन जाइएगा CISF में हेड कांस्टेबल। ठीक है, तो ये था सिलेक्शन का प्रोसेस। तो सबसे पहले PST होगा, तो PST जान लेते हैं कि क्या क्या होगा, हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी, इधर है मेल और इधर है फीमेल। सबसे पहले ऊंचाई की यदि बात करें, तो ऊंचाई यदि आप पुरुष हैं तो 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, महिला हैं तो 155 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई होना चाहिए। यदि आप ST हैं तो 162.5 सेंटीमीटर पुरुष का ऊंचाई चाहिए, और यदि आप ST हैं महिला में तो 150 सेंटीमीटर महिलाओं का ऊंचाई होना चाहिए। बाकी कुछ कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के विद्यार्थियों को छूट भी दिया जाता है, जैसे कि सिक्किम के हो गए, अरुणाचल प्रदेश के हो गए, नॉर्थ ईस्ट के हो गए, है ना, कुमाऊं हो गए, इन सारे क्षेत्रों के विद्यार्थियों को हाइट में छूट भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों स्क्रीन में लगा देते हैं कि उन क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए कितना हाइट मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके बाद चेस्ट की बात करें, छाती कितना चाहिए, तो देखिए 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट इस पर मांगा गया है, महिलाओं की इस पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों रिटर्न एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, लिखित परीक्षा का सिलेबस। तो देखिए मेनली इस पे 4 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में आपका है रीजनिंग रहेगा 25 मार्क्स। ठीक है, दूसरा पार्ट बी में है GK, मतलब करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK सब मिला के आएगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद सी नंबर में है मैथमेटिक्स, जिसको क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके बाद हिंदी या इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इससे रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो टोटल आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, नो नेगेटिव, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी 100 का 100 आप बना करके आ जाइए, कोई आपका दिक्कत होने वाला नहीं है। SSC रेलवे बैंकिंग जैसा इस पर नहीं है कि 4 क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, वैसा इस पर कटने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस वैकेंसी का, इसको आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सैलरी, इस पर वेतन आपको कितना मिलेगा। तो देखिए 2 तरह का पोस्ट है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 25,500 से लेकर के 81,000 तक आपका शुरुआती वेतन होगा, और ये वेतन जो है धीरे धीरे आपका बढ़ जाएगा, दिस इज नॉट योर फाइनल सैलरी, जैसे जैसे आप काम कीजिएगा, पुराना होते जाइएगा, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट बराबर देखने को मिलेगा, ये शुरुआती वेतन है जब आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, इसके बाद ASI स्टेनो की बात करें, तो ये इस पर थोड़ा वेतन जो है ज़्यादा है, 29,200 से लेकर के 92,300 तक आपका शुरुआती वेतन इस पर होगा ASI स्टेनो वाला पोस्ट के लिए। ठीक है, तो सैलरी अपने आप में काफ़ी मस्त है। इसके बाद बात करें जॉब प्रोफाइल, देखिए दोस्तों जॉब प्रोफाइल इस पर क्या होगा, CISF हेड कांस्टेबल एंड मिनिस्ट्रियल और ASI, इस पे आपको ऑफिस में काम करना होगा, आप वर्दी पहनिएगा जरूर, CISF भी लिखा होगा जरूर, लेकिन आपका काम जो है ऑफिस में होगा, कंप्यूटर में होगा, आपसे टेक्निकल काम लिया जाएगा, जो भी डेटा एंट्री वगैरह होता है CISF में, CISF की जो भी कंप्यूटर के काम होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे, समझ में आ गया। तो ये हो गया जॉब, इसलिए आपका 10+2 के साथ टाइपिंग भी इस पर मांगा है, समझ में आ गया। जॉब लोकेशन की बात करें, तो ऑल इंडिया में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ऑल इंडिया में आपका कहीं भी नौकरी मिल सकता है, आप कहीं के भी हैं,
कहीं से भी आप फॉर्म को भर पाइएगा। तो इस वैकेंसी में महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसके अलावा यदि आप लोगों को कुछ और भी पूछना हो तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, आपको हम जरूर रिप्लाई देंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी जॉब्स का अपडेट बराबर हम देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।